हम आप या यहाँ बैठे लोग या कुछ ऐसे लोग सोच सकते हैं, लेकिन बीजेपी शायद ऐसा नहीं सोचती है। अगर बीजेपी को ऐसा लगे कि वो ये लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तब तो वो कार्यवाही करेगी। बीजेपी कुछ और सोचती होगी। बीजेपी सोचती होगी जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं वो एजेंडा चला रहे हैं, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के माउथ पीस हो सकते हैं। खैर, ये बीजेपी सोच सकती है। मैं आपके उस पर आ रहा हूँ कि क्यों ऐसा नहीं हो रहा है। मुझे ये जानना है कि जो लोग डर रहे हैं, अगर वो भ्रष्ट नहीं है तो डर क्यों रहे हैं? और अगर जिनके यहाँ से रिकवरी हो रही है, वो रिकवरी किस कहाँ से हो रही है, मतलब ईडी ले जाके रख रही है? तो ये आपको समझना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार हो रहा है और भ्रष्ट लोग पकड़े जा रहे हैं। इस बात से भी मैं वो हो सकता हूं कि जो सरकार में रहता है वो ऑब्वियसली अपने लोगों को नहीं पकड़ता है। बहुत सारी कांग्रेस की सरकार थी, उनके बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले थे, नहीं पकड़े गए। समाजवादी पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार के अनगिनत मामले थे, नहीं पकड़े गए। तृणमूल कांग्रेस में अनगिनत भ्रष्टाचार के मामले हैं। आप बताइए ना, नारद के या इस तरह के केसेस घोटाले के हैं, कहाँ पकड़े जा रहे हैं? नहीं करता है कोई। ये सरकार का अपना पक्षपात वाला वो होता है। एक और चीज फैक्चुअली मैं करेक्ट कर दूं कि जो लोटस ऑपरेशन लोटस की बात झारखंड में हो रही है, मतलब अगर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी का अलायंस हो गया हो अभी हाल फिलहाल, तो मैं नहीं जानता, इसलिए कि वो जो अरेस्ट हुआ है वो वेस्ट बंगाल की सरकार ने किया, उसका ईडी से कोई लेना देना नहीं है। तो ये थोड़ा फैक्चुअल एक मुझे लगता है कि गलत मैं जा रहा था तो उसको। तो अब आप इसका दूसरा दूसरा एस्पेक्ट समझिए कि ईडी, आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि ईडी जो है उस पर बहुत कम केसेस दर्ज हुए शुरू के दिनों में, बाद में बहुत ज्यादा केसेस दर्ज हुए। अब आप उसका ये देखिए कि अगर कोई आप हम आप और जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर हैं, हमारा कोई पुराना ब्यूरो चीफ है, उसके जमाने में हम हफ्ते में एक स्टोरी फाइल करते थे। कोई नया ब्यूरो चीफ आया, हमसे हफ्ते में 7 स्टोरीज फाइल करा रहा है और वो स्टोरीज बढ़िया ब्रेकिंग न्यूज हो रही है, तो ये उस व्यक्ति का इनकॉम्पिटेंस है जो हमारा पुराना ब्यूरो चीफ था, या इस आदमी की खराब पॉलिसी हो गई जो आपसे 7 बढ़िया खबरें करवा रहा है? तो ये एक सोचने का नजरिया है। आप देखते कैसे हैं? ग्लास आधा देखना चाह रहे हैं, खाली या आधा भरा देखना चाह रहे हैं? ये देखने का नजरिया है। और ईडी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर क्लेम किया है कि वो 8.5 लाख करोड़ की रिकवरी जो एनपीए था उसको कर चुका है। भाई आप कॉन्टेस्ट कीजिए ना। अच्छा, दूसरा एक मैं महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं। मैं मान लिया कि बीजेपी पक्षपात करती है और उनका अपना एक एजेंडा चलता है, उनका लोटस वो चल रहा है। आप ये बताइए, इस देश की अदालतें खत्म हो गई हैं, इस देश में विरोध की परंपरा खत्म हो गई है, तो इस पर आपका क्या जवाब है? आप हर चीज के लिए ईडी को दोषी दे दीजिए, बीजेपी को दोषी दे दीजिए, और अपने आप को किसी बात के लिए दोषी मत ठहराइए, और इंतजार कीजिए कि चीजें आपके हिसाब से सब कुछ हो जाएंगी। ऐसा नहीं चलता है। आप खुद देखिए कि आप कहाँ खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, और भ्रष्ट लोगों के साथ अगर खड़े हैं। मैं कह रहा हूं कि बीजेपी का जो भी, अगर आपने जिसका नाम लिया स्वामी प्रसाद मौर्य, अभी तो उन पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, जिनका लोगों का भी नाम ले रहे हैं, जिसे वेस्ट बंगाल के मुकुल रॉय की आप बात कर रहे हैं, मुकुल रॉय के बारे में अगर है तो उसको ले दिखाइए, या जो बीजेपी में लोग हैं जिन पर भ्रष्टाचार का आपको लग रहा है कि स्पष्ट उनके ऊपर चार्जेस हैं, अदालत में ले जाइए ना भाई। अदालत में बहुत सारे मसले ऐसे हैं। इस देश में बोफोर्स के झूठ पर सरकारें बदली हैं। आप अपनी क्रेडिबिलिटी तो बताइए ना। आपकी क्रेडिबिलिटी तो ये है कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 लोगों को कोर्ट से लताड़ा जाता है, कोर्ट से। तो आप क्रेडिबिलिटी क्राइसिस वाले लोग हैं। आप क्रेडिबिलिटी आपकी बची ही नहीं है। आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आप दूसरों पर भ्रष्टाचार का उठाते हैं तो वो गलत साबित होता है। तो आप क्रेडिबिलिटी क्राइसिस के दौर से गुजर रहे हैं, उससे पहले निकलिए।
दूसरों पर आरोप लगाने पर, और दूसरों पर आरोप लगाइए और उसको अंजाम तक ले जाइए, उसको अंजाम तक ले जाइए। आप प्रूफ तो दीजिए, अदालत के पास जाइए, अदालत अगर आपका साथ नहीं देती है तो जनता के पास जाइए। विनोद सर, जब आपने ये क्रेडिबिलिटी वाली बात कह दी है ना, और सारी बातें जो आपने कही हैं उससे मैं सहमत हूँ कि अगर कोई भ्रष्टाचारी है तो उसमें जांच होनी चाहिए, इस बात से मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूँ। मूल बात यह है ना सर, जो आपने कहा ना कि सरकारें पक्षपात करती हैं, मैं इसी बात पर ही बात पकड़ रहा हूँ और किसी बात पर पकड़ भी नहीं रहा हूँ। भाई आपके उस पाले में था कोई व्यक्ति, उस पर जांच बैठी और जांच में उसको पकड़ा गया, दबाव बना, वो आपके पाले में आ गया, फिर पूरे 5 साल कोई दबाव नहीं है, कोई जांच नहीं है, सवाल यहीं पर खड़ा हो रहा है ना सर, और तो कहीं खड़ा नहीं हो रहा है। अब दूसरी बात सुनिए, अदालत में जाने की जहां तक बात है सर, तो रंजन गोगोई जी का मामला कहां किससे छुपा है ये बताइए, खुद अपने ही केस में खुद ही जांच कर रहे थे, फिर कहां निकल के चले गए, राज्यसभा मेंबर हो गए। आप खुद सोचिए सर कि सीजेआई राज्यसभा मेंबर होने का लालच लेकर जा रहा है। मैं एकदम स्पष्ट कह रहा हूँ, अगर जस्टिस ऑफ मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस तरह के उसमें आ रहा है तो आप कैसे समझ सकते हैं कि अदालतें कैसे काम कर सकती हैं। मैं दोनों प्रश्नों का जवाब देता हूं। देखिए, एक तो ये कि जो आप बात कर रहे थे कि जो लोग लिप्त हैं, मैं उसमें आपको सरकारों के नाम गिना दे रहा हूँ, जितनी साफगोई से आप बात करें उतनी साफगोई से बात कर रहा हूँ मैं। बहुत रमन सिंह पर भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप लगाए, उनकी सरकार चली गई। राजस्थान में भी इसी तरह के मसले थे, बहुत सारे लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, और इस तरह के बहुत सारे प्रदेश हैं जहां पर बीजेपी की सरकार रही है, क्योंकि बीजेपी अभी केंद्र में है तो मैं बीजेपी सरकार का नाम लेके बात कर रहा हूं। तो जहां बीजेपी सरकार थी वहां पर विपक्ष की सरकार बनी है, तो जिन बीजेपी नेताओं पर, विशेष रूप से रमन सिंह, अभिषेक सिंह का सबसे ज्यादा मैं स्पेसिफिकली नाम लेके बोल रहा हूँ, इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। और आपको खुद ध्यान होगा कि अभिषेक सिंह का टिकट भी इसीलिए काटा गया था कि उन पर बहुत सारी चीज थी। मुझे बताइए कि बघेल सरकार के 2-3 साल लगभग पूरे हो गए हैं, 1.5 साल और बचे हुए चुनाव होने में, अभिषेक सिंह और रमन सिंह पर एक भी FIR हुआ? बीजेपी के नेता राजस्थान में एक भी कोई आरोप आपने वो किया? या जितने दिन कर्नाटक में कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर की सरकार थी, एक भी बीजेपी के नेता पर आपने FIR किया? इसलिए आप वो साबित नहीं कर पाएंगे, आप आपके पास वो नहीं है, या आप बचना चाहते हैं। दूसरी बात, आपने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात की, देखिए जुडिशरी का बहुत सारे इश्यूज हैं, जुडिशरी बहुत सारे चीजों पर मनमानी करती है, शायद हम उतना साहस नहीं जुटा पाते हैं उस तरह का कमेंट करने पर। जुडिशियल रिफॉर्म एक बहुत आवश्यक है, कई कई मामलों में निश्चित तौर पर सरकार प्रिवेल करती है और उसका रिफ्लेक्शन दिखता है, तो इसलिए जुडिशियल रिफॉर्म की जरूरत है। और जब जुडिशियल रिफॉर्म की बात हुई थी तो उसको इसी कोलिजियम ने सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया था, उस पर सरकारों को मनसा बड़ी करते हुए उसको रिफॉर्म करने की जरूरत है, उसमें इंटरवेंशन होना चाहिए, जुडिशियल मनमर्जी नहीं चलनी चाहिए। अब एक ये बात कि CGI को राज्यसभा दिया गया, लालच दिया गया, मैं थोड़ी उस पर पार्शियल असहमति है, और अगर है भी तो अगर उनको दिया भी गया तो इस तरह के बहुत सारे आप उठाकर देख लीजिए, चीफ हाई कोर्ट के सिटिंग जज को टिकट अनाउंस किया गया, उसके बाद वो चुनाव लड़के, मतलब राज्यसभा नॉमिनेट किया जाए तो वो तो समझ में भी आता है, लेकिन अगर हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जज कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, तो ये परंपराएं बड़ी गोल मटोल सी है, बड़ी अजीब सी चीजें हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि क्रेडिबिलिटी क्राइसिस इतनी ज्यादा हो गई है, विशेष रूप से उन राजनीतिक दलों की जो आज विपक्ष में बैठे हुए हैं, कि वो अगर सच भी बोलते हैं तो मैं कह रहा हूं कि वोट तो प्रूफ पर जाएगी, लेकिन जनता उनकी बात सुनने के लिए तैयार है, इतनी ज्यादा क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है। उसमें आपने जो जुडिशरी का नाम लिया, CJI के नॉमिनेटेड सीट का, वो भी है। आप, अब मैं आपको एक उदाहरण दे दूं,
वो एक मिश्रा जी थे उड़ीसा के थे जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने 70 कमेटी की रिपोर्ट और जब उनको जब कांग्रेस को छोड़ दिया गया 84 के दंगों के बाद, उनको राज्यसभा भेज दिया गया। आप बताइए ना, आप इस तरह के उदाहरण आप गिनाइए तो मैं सूची आपको बना के दे देता हूँ, लंबी सूची है। तो मैं फिर वही कहूंगा ये जो क्रेडिबिलिटी का मामला है ना, देखिए अगर अगर बीजेपी और कांग्रेस के कंपैरिजन में मतलब 9 और 10 का अंतर होता तो बात समझ में आता है, यहाँ 100 और 0 का अंतर है। एक की क्रेडिबिलिटी 0 हो गई है और एक की क्रेडिबिलिटी 70, 80, 75 आप जो लगा लीजिए, लेकिन इतना अंतर, ये सबसे बड़ा समस्या है, सबसे बड़ा संकट ये है। बाकी मैंने जो अपनी बात कही कि जो सरकारें होती हैं वो निश्चित तौर पर अपने अपोजिशन को टारगेट करती हैं, लेकिन दो बातों पर मेरी सहमति है कि ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्र में वो शिवसेना का अपना मामला था और झारखंड में ऑपरेशन लोटस नहीं हो रहा है, वो वेस्ट बंगाल की सरकार ने उनको अरेस्ट किया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर, और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।